ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे तीन सवाल, बहुत सिंपल सवाल है साहब, लेकिन कांग्रेस चुप बैठकर बैठ गई है, बन करके मुंह पे ताला लगा दिया है उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई, उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है। वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनका दिमाग को देखूं अंदर है क्या, तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है, बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे उनके सागरित, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई छह महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं, बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, बारी बारी से सब छोड़कर के भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे, लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं भाइयों, ये धार की धरती है,
ये राजा भोज की धरती है। आप मुझे बताइए, ये जो इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले और उनके चट्टे बट्टे ये जो खेल खेल कर रहे हैं, क्या आपको ये मंजूर है क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मंजूर है क्या? आप इसको मंजूरी दे सकते हैं क्या? ये आपके हकों को लूटना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जमानत जब्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको हमेशा हमेशा राजनीतिक जीवन से दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब को मंजूर नहीं था, जिसका बाबा साहब ने अपने युग में विरोध किया था, क्या आप उसका विरोध करेंगे? इस बार ये कांग्रेस और उनके सब साथियों को चुन चुन करके राजनीति में साफ कर देना, ये बाबा साहब आंबेडकर को बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका है, इन्होंने भारत के संविधान की पीठ में छुरा भोंका है। मोदी ने चुनाव में कांग्रेस के सारे वादों इरादों की पोल खोल दी है।